नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, एस्ट्रो सपने का मतलब अर्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सपनों से हमें वो संकेत मिलते हैं जिनसे हम यह पता कर सकते हैं कि हमारे साथ आगे भविष्य में क्या अच्छा या बुरा होने वाला है। दोस्तों, आमतौर पर हमने देखा है कि सपने में कौवे को देखना या कौवे का मरा हुआ कौवे को देखना आदि सपनों को अशुभ संकेत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, सच बताएं तो सपने में यदि आप मरा हुआ कौवा देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं कि जब आपको सपने के अंदर मरा हुआ कौवा दिखाई दे तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि आपके या आपके परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है। यह बदलाव को दर्शाता है कि जो आपने बुरा समय देखा है, परिवार ने बुरा समय देखा है, वह बदलने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। सपने में आप बहुत सारे कौवे देखते हैं तो ऐसा सपने का अर्थ भी अशुभ नहीं होता। इसका अर्थ होता है कि आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं और शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा कौवे देखना यह भी दर्शाता है कि आप किसी न किसी प्रकार की बड़ी मानसिक चिंता या तनाव से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत करिए और अपनी परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करिए। ऐसा करने पर आने वाला समय आपके मन मुताबिक हो जाएगा और आपको खासी परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सपने में आप यदि सफ़ेद रंग के कौवे को देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ स्वप्न होता है। इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको गुड या अच्छे समाचार मिलेंगे। आपका लक जो है वह अच्छा हो जाएगा, भाग्य उदय होगा और आपको सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। सपने में सफ़ेद कौवे को देखना दुखों का अंत भी प्रदर्शित करता है। सपने में यदि आप कौवे को रोटी दे रहे हैं और कौवा रोटी खा रहा है या लेके जा रहा है तो इसका अर्थ होता है कि आपके जो पूर्वज हैं वह बिल्कुल शांति से स्वर्ग में रह रहे हैं और उनकी कृपा पर बनी हुई है, जिसके कारण आपका आगे भला ही होगा। जीवन में सुख शांति और समृद्धि का संचार होगा। सपने में यदि आप कौवे को पकड़ लेते हैं, आपका पालतू कौवा है, तो इसका यह अर्थ होता है, यह वास्तव में बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आपके और आपके परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं वह पूरी होने का समय आ गया है। सपने में यदि कौवा जबरदस्ती आपकी खाने की वस्तु या रोटी चुराकर उड़ रहा है तो इसका अर्थ होता है कि आपको अपने खर्चों पर विराम लगाना चाहिए, अन्यथा आपको आगे आने वाले जीवन में आर्थिक तंगी सहनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है। सपने में एक या बहुत से कौवे हैं, वह डरावनी आवाज़ें निकाल रहे हैं या आप पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपको अपने खास लोगों से, अपने शत्रुओं से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा आपको मानसिक या शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि कौवा या बहुत से कौवों का झुंड या बहुत सारे कौवे आपका पीछा कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आप जीवन में कुछ ना कुछ गलत अवश्य कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और यदि आप जीवन में ऐसे ही बढ़ेंगे तो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान सहने पड़ सकते हैं। यदि कौवा फ्रेंडली है, आपके साथ दोस्ताना व्यवहार रख रहा है और आपके लिए कुछ कार्य कर रहा है, जैसे आपके लिए कोई वस्तु लाना, खाद्य पदार्थ लाना, तो ऐसा अर्थ होता है ऐसे सपने का कि आने वाले समय में आप अपनी हर समस्याओं से मुक्ति पालेंगे और इसमें परिवार और आपके जानकार लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। सपने में यदि बहुत सारे कौवे हैं या कौवे का झुंड है आपको किसी प्रकार से सचेत करने की कोशिश कर रहा है तो वास्तविक जीवन में आपको हर आदमी से, व्यक्ति से जो कि आपका खास है या आपका शत्रु है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है।
सपने में कौवे का आपको कोई चीज़ या वस्तु प्रदान करना, जैसे कि सोना चांदी, हीरा मोती आदि कोई भी बहुमूल्य चीज़ यदि कौवा देता है तो इसका यह संकेत होता है कि आने वाले समय में आपको बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों, कौवे से जुड़े कुछ अच्छे और बुरे फल हमने आपको बता दिए। बुरे फल से बचने के लिए हर बार की तरह हम कहेंगे कि सुबह जल्दी उठकर अपने इष्ट की पूजा आराधना करें और अपने मंगल की कामना करें। ऐसा करने से बुरे सपनों के बुरे प्रभाव निरस्त हो जाते हैं और आपका भला और मंगल ही होता चला जाता है। तो दोस्तों, प्यारे मित्रों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।